भुलाकर बुरा वक्त और बुरी यादें, नंदिनी ने रख दिया है नई जिंदगी में कदम। ये नंदिनी हंसती है, मुस्कुराती है, ख्वाब बुनती है। और देखिए, कुणाल भी इस बदली बदली सी नंदिनी को रियर मिरर से बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। मौली कुणाल के करीब बैठी है और कुणाल की आंखें बार बार नंदिनी पर जा टिकती हैं। दरअसल आज नंदिनी और मौली को साथ लेकर कुणाल निकले हैं डिनर पर, जहां कुणाल को पहली बार हो रहे हैं नंदिनी के नए रूप के दर्शन। देखिए कैसे डरी सहमी, घबराई घबराई सी रहने वाली नंदिनी आज बात बात पर जोक्स क्रैक कर रही है। ये क्या है? ब्रेन ईटर ईटिंग अ ब्रेन, ब्रेन ईटर दिमाग खा रही। ओके, अब ये क्या है? ब्रेन ईटर स्टार्विंग, भूखा। अच्छा, एक और, छोटू के बड़े और छोटे भाई का नाम क्या है? तीन भाई थे, बीच वाले का नाम था छोटू, तो पहले और तीसरे का नाम क्या था? क्या था? छोवन और छोत्री। खाने पर चर्चा चल ही रही होती है कि तभी मौली की नजर पड़ती है उनके कॉलेज टाइम फ्रेंड मानस पर, जिसे देख मौली चौंक जाती है। नंदू, किस्मत, तुम दोनों की किस्मत इसे यार खींच लाएंगे। कुछ वो लड़का देखो ना, वो वाइन कलर के सूट में, ये ना इसका नाम है मानस, ये ना कॉलेज के दिनों पे नंदिनी में पढ़ने में बहुत लाइन मारता था, ऐसा कुछ नहीं। मानस को देख मौली को ख्याल आता है नंदिनी की जोड़ी मानस के साथ बनाने का, और तभी मौली और नंदिनी को वहाँ देख मानस भी उनके पास ही चला आता है। हाय हाय मानस, हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी वेल। तुम यहाँ पर कैसे? वेल, आया तो डेट पर था, लेकिन लड़की ने टांग दे दी, बट आई एम ग्लैड शी डिड। हेलो नंदिनी। मतलब तुम सिंगल? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसको चाहा वो मिली नहीं फिलहाल, तो इश्क का मारा हूँ यहाँ वहाँ। यहाँ मौली मानस के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए बातें करने लगती है, और वहाँ कुणाल का दिल जलने लगता है। कुणाल की ये जलन उनके चेहरे पर साफ दिखती है। कुणाल, आज तो आपके दिल के जज्बातों ने भी आपका साथ नहीं दिया, ना चाहकर भी आप मानस से जलने लगे, वो भी नंदिनी की वजह से। ऐसा क्यों? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे शांति से डिनर करने के लिए आए हैं, लेकिन नंदिनी का एक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड दीवाने मिल जाते हैं, जो फिर से उन्हें पटाने की कोशिश करते हैं, और इन मौली इज ट्राइंग टू फिक्स देम अप, एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल, क्यों करने की कोशिश कर रही तुम्हें से? और वो अपनी यू नो बड़ी बड़ी ढींगे आ रहे हैं कि मैं अपने फिल्म राइटर हूँ, मैंने ये फिल्में लिखी हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैंने फिल्में देखी कई बार और मुझे बहुत पसंद है। सो आई एम लाइक लिटिल जेलस की कहीं नंदिनी यू नो उसके साथ ना चली जाए, बिकॉज ऑब्वियसली कुणाल कहीं ना कहीं नंदिनी को चाहने लगा है और वो नहीं देख सकता उसको किसी और के साथ। सो ही इज गेटिंग जेलस, एंड इन द एंड दे बोथ आर डांसिंग ऑल्सो, मी एंड मौली आर डांसिंग, बट कैसे तैसे करके मैं उसे यहाँ से रफा दफा करता हूँ और उन दोनों लड़कियों को यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। राजदीप को भुलाकर नंदिनी किसी और के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, ये आइडिया कहीं ना कहीं मौली का है। कुणाल, यानी अब आपका गुस्सा मौली पर भी उतरेगा। मुझे गुस्सा पूरे सिचुएशन पे आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है और जेलसी हो रही है कि नंदिनी को क्यों फिक्सअप किया जा रहा है किसी के साथ, और वैसे भी वो जो लड़का है वो बहुत फिल्मी टाइप है, नंदिनी बहुत घरेलू टाइप से, तो दोनों का कोई मैच नहीं बनता, तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं वो लड़का, मतलब वैसे भी पसंद होगा तो भी पसंद नहीं, मैं किसी को देख ही नहीं सकता नंदिनी किसी और के साथ। So that's what Kunal's state of mind is right now. Well, मौली के होते हुए भी नंदिनी के प्यार ने कुणाल के दिल में दस्तक दे दी है। कुणाल, मौली और नंदिनी तीनों ही इस बात से अनजान हैं कि अब रिश्तों के बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में ये बदलते रिश्ते कौन से रंग दिखाएंगे, ये देखने का इंतजार हमें भी रहेगा। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।